हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ चोल प्रशासन। चोल साम्राज्य से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आए या सब्जेक्टिव के रूप में आए, तो इस ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और प्रशासनिक क्षेत्र में ये चैप्टर या चोल प्रशासन, चोल का जो प्रशासन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, उससे बहुत कुछ सीखा जाता है, इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चूंकि इनका प्रशासन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने पहला टॉपिक जो लिया है चोल साम्राज्य से, वो चोल प्रशासन का ही है। इसके बाद मैं वन बाय वन जो भी इससे प्रश्न बनते हैं सब कुछ बताऊंगी। तो आज की क्लास में हम लोग प्रशासन देखते हैं, चोल साम्राज्य के प्रशासन कैसे थे उसे देखते हैं। 10वीं सदी के प्रथम दशक में चोल राज्य की स्थापना हुई थी। चोल राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई थी, प्रथम दशक में। दक्षिण भारत में चोलों का काल राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से बहुत ही विकसित था, और इसके विकसित होने के बहुत सारे कारण थे। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो इनका राजनीतिक प्रशासन कैसा था जिस वजह से ये काफ़ी विकसित हुए? तो चोल प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था एवं शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। चोल साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी, राजा का शासन हुआ करता था। राजा पर राज्य की रक्षा, न्याय और शासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व था, राजा पर ही सारा उत्तरदायित्व होता था। राज्य पद वंशानुगत था, चूँकि राजतंत्र था तो इसका पद भी वंशानुगत ही था। शासन कार्य में सलाह देने के लिए मंत्री और अमात्य होते थे, तो शासन कार्य में सलाह देते थे मंत्री और अमात्य। तो छोटे छोटे ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन जैसे नाम होते हैं, अधिकारियों के नाम होते हैं, जगह के नाम होते हैं, इन सभी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो शासन कार्य में जो सलाह देते थे वो मंत्री होते थे, अमात्य होते थे। प्रशासन का वर्गीकरण कैसा था? तो प्रशासन मंडलम, कोट्टम, वलनाडु, नाडु और कुर्रम में विभक्त किया हुआ था, बटा हुआ था। इनके बारे में आगे मैं डिटेल से बताऊंगी। प्रशासनिक तंत्र में बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते थे जिसे पेरुंदरम एवं छोटे अधिकारी सिरुंदरम कहलाते थे। तो दो प्रकार के अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी और छोटे अधिकारी। तो प्रशासनिक अधिकारी को पेरुंदरम और जो छोटे अधिकारी होते थे जो इनके अंदर काम करते थे उन्हें सिरुंदरम कहा जाता था। ओलेल नायकम, इसका अर्थ होता है प्रधान सचिव। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये नाम याद रखेंगे, ये प्रश्न आता है इसका अर्थ क्या होता है। तो प्रधान सचिव, अभी वर्तमान स्थिति में जो प्रधान सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, उसे ओलेल नायकम कहा जाता था। जो राजा के आदेशों को लिखते थे और फिर वो लिखित जो उनके आदेश होते थे वो अपने नीचे हर एक छोटे छोटे गांव तक में वो पांडुलिपि के रूप में लिखित रूप से बंटवा दिया करते थे, भिजवा दिया करते थे उनके जो भी आदेश होते थे, और उस हिसाब से फिर सारे कार्य किए जाते थे केंद्र से लेकर गांव तक के छोटे प्रशासन तक में। चोल का केंद्रीय शासन एकतांत्रिक था। तो मुख्य रूप से केंद्रीय शासन एकतांत्रिक था, शीर्ष पर राजा ही होता था और उसके नीचे फिर स्तरीकरण बना हुआ था। प्रांतीय शासन की व्यवस्था थी। प्रांतीय शासन में क्या क्या बातें थी चलिए देखते हैं। प्रांतीय शासन का प्रधान अधिकतर राजा के निकटतम संबंधी या राजवंशीय व्यक्ति होते थे। तो जो प्रांत का जो शासन होता था वे स्पेशली राजा के जो निकटतम संबंधी होते थे या राज परिवार का ही कोई सदस्य होता था। वह बहुत विश्वासी होता था, चूँकि राजा के परिवार से बिलोंग करता था तो काफ़ी विश्वासी भी वह होता था, और उसका काम था प्रतिदिन राज्य की गतिविधियों की जानकारी राजा को देना। तो राज्य में राजा के जो भी आदेश होते थे वो मिलने के बाद राज्य में गतिविधियां उस अनुरूप हो रही हैं या नहीं हो रही हैं इसकी जानकारी राजा को देता था। राज्य को राष्ट्रम कहा जाता था, चूँकि भाषा में अंतर है इसलिए राज्य को राष्ट्रम कहा जाता था। कई राष्ट्र प्रांतों में विभक्त थे, प्रांत को ही मंडलम कहा जाता था, जो पहले मैंने आप लोगों को बताया। तो मंडलम किसे कहा जाता था? तो राष्ट्र को नहीं, राष्ट्र में जो प्रांत होते थे उसे मंडलम कहा जाता था, और प्रत्येक मंडलम को कोट्टम या कमिश्नरी में बटा हुआ था, और प्रत्येक कोट्टम नाडु या जिले में बटा हुआ था। तो नाडु का अर्थ हो गया जिला।
और कोट्टम का अर्थ हो गया कमिश्नरी, और नाडू कुर्रम तहसील या ग्राम समूह में बटा हुआ था, तो कुर्रम का अर्थ हो गया तहसील या ग्राम समूह। मंडलम का प्रधान राजवंशीय होता था तथा अन्य सभी के अधिकारी एवं कर्मचारी होते थे, और जो भी होते थे वो अधिकारी और कर्मचारी होते थे। सभी अपने क्षेत्र की जानकारी अपने से ऊपर के अधिकारी को देते थे। तो ये एक सिस्टम हुआ करता था कि जो कुर्रम है वो नाडू में अपने रिपोर्ट देगा, वो ये कोट्टम में देगा, कोट्टम मंडलम में देगा और मंडलम राष्ट्रम में देगा। तो ये एक स्तरीकरण था, एक पिरामिड के रूप से था जो कि कार्य करता था, और नीचे से ऊपर तक के हर कार्य की जानकारी राजा तक पहुंचाई जाती थी। इसलिए ये जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छे ढंग से चलती थी। इसमें ग्रामों को कुछ स्वायत्तता दी गई थी। गाँव जो होते थे, जो बिल्कुल छोटे, जो कुर्रम जिसे हम लोगों ने कहा ग्रामों का समूह, तो उसमें जो गांव होते थे उन्हें कुछ स्वायत्तता दी गई थी। ग्राम दो प्रकार के होते थे, कुछ साधारण प्रकार के ग्राम होते थे जिन्हें उर कहा जाता था, और इनकी सभा को उरार कहा जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न, यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं उर क्या है या उरार किसे कहते हैं। तो उर किसे कहते हैं, तो ग्राम को कहते हैं। कुछ साधारण जो गांव होते थे चोल प्रशासन में उन्हें उर कहा जाता था, और इनमें जो सभा बैठती थी उन्हें, जो ग्रामीण बैठते थे सभा करते थे उन्हें उरार कहा जाता था। ग्राम सभा शासन कार्य के संचालन के लिए किस प्रकार से संचालन करती थी ग्राम सभा, तो समितियों का संगठन करती थी। ग्राम सभा अपने कार्यों को करने के लिए छोटी छोटी समितियाँ बनाती थी, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समिति होती थी, समितियों का संगठन करती थी जिसे वेरियम कहा जाता था। तो वेरियम क्या है, तो समितियों को वेरियम कहा जाता था, जो गांव की व्यवस्था को संचालित करने के लिए छोटी छोटी समितियां बनाई जाती थी उसे वेरियम कहा जाता था। इसमें कभी कभी स्त्रियों को भी लिया जाता था। ये इसकी विशेषता है कि उस समय स्त्रियों को भी प्रमुखता दी जाती थी और अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्यों में भी उन्हें जोड़ा जाता था। ग्राम सभा का कार्य अत्यंत विस्तृत था, जैसे मंदिरों की देखभाल, सड़कें, व्यापार, सिंचाई, शिक्षा, सफाई, सभी का प्रबंध करना, और इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते थे। तो ये जितनी व्यवस्थाएं हैं इसे करना, इसे व्यवस्थित रूप से करना, देखभाल करना, ये सभी ग्राम सभा का ही कार्य होता था, और सभी कार्यों के लिए अलग अलग समितियां होती थी। अब जैसे कि जो कार्य है उससे संबंधित एक समिति बनाई जाती थी, जैसे सिंचाई के कार्य के लिए सिंचाई समिति, सफाई के कार्य के लिए सफाई समिति, मंदिरों की देखभाल के लिए देवालय समिति, इसी प्रकार से न्याय समिति और भी जितनी है, सड़क समिति, व्यापार समिति, शिक्षा समिति, प्रबंधन समिति, और इन सभी समितियों को भी एक अलग से समिति बनाई जाती थी जो ये देखता था कि जितनी भी छोटी छोटी समितियाँ हैं वो अपना कार्य सही से कर रही हैं या नहीं। तो उसके लिए एक अलग समिति बनती थी और वो अपना जो प्रतिवर्ष जो अपना जो रिपोर्ट वो तैयार करती थी वो जांच करती थी, सभी कुछ वो राजा को भेजा जाता था। तो ग्राम सभा के कार्य प्रणाली की जांच के लिए केंद्रीय अधिकारी होते थे। तो जो अलग से जो समिति बनाई जाती थी उसमें केंद्र का आदमी होता था, केंद्रीय अधिकारी होते थे, और वो सारा रिपोर्ट राजा को किया करते थे। तो ये एक सिस्टम इतना अच्छा था चोल प्रशासन का, जैसे कि अभी वर्तमान युग के सरकार में अपनाया जाता है। जो हम लोगों के देश में जो शासन व्यवस्था है वो चोल प्रशासन की जो व्यवस्था थी उससे काफ़ी कुछ सीखती है, और उस हिसाब से बहुत सारे कार्य भी करती है। हम लोग देख सकते हैं बहुत सारी समानताएं हैं वर्तमान के प्रशासन में और चोल प्रशासन में, इसलिए चोल प्रशासन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्राचीन भारत के इतिहास में। इस प्रकार चोल प्रशासन पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्वशासन व्यवस्था है। तो स्वशासन व्यवस्था जो हम लोगों के देश की है वो चोल प्रशासन की ही देन है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बिल्कुल तृण स्तर पर भी देश का, राष्ट्र का विकास किया जा सके। तो मुझे लगता है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे चोल प्रशासन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं चोल साम्राज्य संबंधित और भी जो प्रश्न बनते हैं उसे भी कराऊंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी टॉपिक हैं मैं सब कुछ करा दूंगी, उसके बाद पल्लव वंश का अध्ययन मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।